बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेदों में भी जिहाद की शिक्षा। जी हाँ, आपने सही सुना कि वेदों में भी जिहाद की शिक्षा दी गई है। आज दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने के लिए लोग आए दिन नए नए वीडियोस बना रहे हैं और इस्लाम को या कुरान करीम को या मुसलमानों को बुरा भला कह रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, मुसलमान आतंकवादी है, और ये कुरान करीम के ज़रिए से बन रहे हैं। हालांकि आप कुरान का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो भी जिहाद के आयतें हैं वो लोग उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग से हटाकर बताते हैं। जैसा कि दुश्मनों से लड़ना है तो आप देखेंगे आर्मी का हर कमांडर लोगों को ये बताता है कि जब जंग छिड़ जाए तो दुश्मनों से लड़ना है, पीठ नहीं फेरना है, और जहां देखे उनको मारना है। तो यही बात कुरान करीम में बताई गई है दुश्मनों के मुताल्लिक, लेकिन लोग ये बीड़ा उठा लिए हैं कि किसी तरह इस्लाम को, कुरान करीम को या हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या उम्मत मुस्लिमा को बदनाम करें। तो इस तरह ये लोग बदनाम कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम हम देखते हैं कि बढ़ते ही जा रहा है। सबसे ज़्यादा आज बढ़ने वाला कोई धर्म है, कोई दीन है, तो वो दीन इस्लाम है। तो इस्लाम के अंदर सब खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, और यहाँ पर जो इस्लाम के अंदर जिहाद का जो वर्णन है वो इसलिए है कि दुष्टों का नाश किया जाए, शिष्टों का परिपालन किया जाए। आज कोई भी हुकूमत बगैर इस सिद्धांत पे कायम हो के नहीं कायम रह सकती, क्योंकि बुरों का या पापियों का नाश करना ज़रूरी है। इसलिए हर हुकूमत में हम देखते हैं कि जेल होती है, और वहाँ पर जो पापी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको फांसी की सज़ा भी दी जाती है, मृत्यु दंड भी दिया जाता है। यही बात इस्लाम के अंदर है, यही बात कुरान करीम में है। तो लेकिन आज लोग इस्लाम के अंदर जिहाद बता रहे हैं, तो आज हम आपके सामने ये एक टॉपिक लेकर आए हैं कि वेदों में भी जिहाद की शिक्षा। तो आप देखेंगे कि वेदों में किस तरह जिहाद की शिक्षा दी गई है। तो देखिए कि अथर्ववेद कांडम 19 सूक्त 28 में 10 मंत्र जिहाद की शिक्षा के बारे में आए हैं, और इसी तरह इसी अथर्ववेद में कांडम 19 और सूक्त 29 में 9 मंत्र जिहाद की शिक्षा के बारे में दिए गए हैं। तो आइए हम वेदों में जो जिहाद की शिक्षा है वो देखते हैं। तो ये है अथर्ववेद। आइए इस वेद में जिहाद के ताल्लुक से क्या शिक्षा दी गई है उसे देखते हैं। अथर्ववेद हिंदी भाष्य अष्टम कांड से 20 कांड तक। श्री क्षेम करण दास त्रिवेदी कृत, प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दयानंद भवन 3/5 आसिफ अली रोड, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक तिलक प्रिंटिंग प्रेस, सीताराम बाजार, दिल्ली। अथर्ववेद एकोनविंशम कांडम यानि 19वां कांडम, सूक्त 28, पेज नंबर 1011। ये पहले मंत्र से 10वें मंत्र तक भाषार्थ देखें। पहले मंत्र का भाषार्थ देखें। हे प्रजागण, तेरे दीर्घ जीवन और तेज के लिए इस मणिरूप अति प्रशंसनीय शत्रुओं के दबाने वाले, विरोधी के हृदय के तपाने वाले दर्भ को मैं नियुक्त करता हूँ। अब दूसरा मंत्र उसका भाषार्थ देखें। विरोधी के हृदयों को
तपाता हुआ और शत्रुओं के मन को तपाता हुआ, हे दर्भ, यानि शत्रु विदारक सेनापति, सब दुष्ट हृदय वाले अमंगल कार्यों को ग्रीष्म ऋतु के समान सर्वथा तपाता हुआ तू वर्तमान हो। तीसरा मंत्र भाषार्थ देखें। हे प्रशंसनीय दर्भ, शत्रु विदारक सेनापति, ग्रीष्म के समान सर्वथा तपता हुआ, विरोधियों को संताप देता हुआ तू हिंसक को नाश करते हुए इंद्र यानी बड़े ऐश्वर्यवान पुरुष के समान वैरियों के हृदयों को तोड़ दे। अब मंत्र चार का भाषार्थ देखें। हे प्रशंसनीय दर्भ, शत्रु विदारक सेनापति, वैरियों और विरोधियों के हृदय को तोड़ दे। उठता हुआ तू भूमि की त्वचा तृण आदि के समान इन शत्रुओं का सिर गिरा दे, यानी सर गिरा दे। पांचवा मंत्र है, इसका भाषार्थ देखें। हे दर्भ, शत्रु विदारक सेनापति, मेरे वैरियों को तोड़ दे, मेरे लिए सेना चढ़ाने वालों को तोड़ दे, मेरे सब दुष्ट हृदय वालों को तोड़ दे। हे प्रशंसनीय मेरे वैरियों को तोड़ दे। छठवें मंत्र का भाषार्थ देखें। हे दर्भ, शत्रु विदारक सेनापति, मेरे वैरियों को छेद डाल, मेरे लिए सेना चढ़ा लाने वालों को छेद डाल, मेरे सब दुष्ट हृदय वालों को छेद डाल। हे प्रशंसनीय मेरे वैरियों को छेद डाल। आगे सातवें मंत्र का भाषार्थ देखें। हे धर्म, शत्रु विदारक सेनापति, मेरे वैरियों को काट डाल, मेरे लिए सेना चढ़ा लाने वालों को काट डाल, मेरे सब दुष्ट हृदय वालों को काट डाल। हे प्रशंसनीय मेरे वैरियों को काट डाल। इसी तरह आठवें मंत्र का भाषार्थ देखें। हे दर्भ, शत्रु विदारक सेनापति, मेरे वैरियों को कतर डाल, मेरे लिए सेना चढ़ा लाने वालों को कतर डाल, मेरे सब दुष्ट हृदय वालों को कतर डाल। हे प्रशंसनीय मेरे वैरियों को कतर डाल। नवे मंत्र में देखिए। हे दर्भ, शत्रु विदारक सेनापति, मेरे वैरियों को बोटी बोटी कर, मेरे लिए सेना चढ़ा लाने वालों को बोटी बोटी कर, मेरे सब दुष्ट हृदय वालों को बोटी बोटी कर। हे प्रशंसनीय मेरे वैरियों को बोटी बोटी कर। दसवें मंत्र का भाषार्थ देखें। हे दर्भ, शत्रु विदारक सेनापति, मेरे वैरियों को बेद डाल, मेरे लिए सेना चढ़ा लाने वालों को बेद डाल, मेरे सब दुष्ट हृदय वालों को बेद डाल। हे प्रशंसनीय मेरे वैरियों को बेद डाल। तो आपने देखा कि अथर्ववेद कांडम 19, सूक्त 28 और मंत्र 1 से लेकर 10 तक किस तरह की शिक्षा दी गई है कि लोगों को काट डाल, मार डाल, चीर डाल, बोटी बोटी कर दे। आइए अब आगे देखते हैं कि इसी अथर्ववेद के 29वें सूक्त में जो 1 से लेकर 9वें मंत्र तक क्या क्या शिक्षा दी गई है। अथर्ववेद एकोना विंशम कांडम यानी अथर्ववेद का 19वां कांडम है, सूक्त 29 है यानी 29, मंत्र 1 से लेकर 9 तक देखिए। पहले मंत्र का भाषार्थ सुने। हे दर्भ, शत्रु विदारक सेनापति, मेरे वैरियों को कोंच डाल, मेरे लिए सेना चढ़ा लाने वालों को कोंच डाल, मेरे सब दुष्ट हृदय वालों को कोंच डाल। हे प्रशंसनीय मेरे वैरियों को कोंच डाल। दूसरे मंत्र का भाषार्थ देखें। हे दर्भ, शत्रु विदारक सेनापति,
मेरे वैरियों को चीर डाल, मेरे लिए सेना चढ़ा लाने वालों को चीर डाल, मेरे सब दुष्हृदय वालों को चीर डाल, हे प्रशंसनीय मेरे वैरियों को चीर डाल। तीसरे मंत्र का भाषार्थ देखें, हे दर्भ शत्रु विदारक सेनापति, मेरे वैरियों को रोक दे, मेरे लिए सेना चढ़ा लाने वालों को रोक दे, मेरे सब दुष्हृदय वालों को रोक दे, हे प्रशंसनीय मेरे वैरियों को रोक दे। और चौथे मंत्र का भाषार्थ देखें, हे दर्भ शत्रु विदारक सेनापति, मेरे वैरियों को मार डाल, मेरे लिए सेना चढ़ा लाने वालों को मार डाल, मेरे सब दुष्ट हृदय वालों को मार डाल, हे प्रशंसनीय मेरे वैरियों को मार डाल। पांचवें मंत्र का भाषार्थ देखें, हे दर्भ शत्रु विदारक सेनापति, मेरे वैरियों को मत डाल, मेरे लिए सेना चढ़ा लाने वालों को मत डाल, मेरे सब दुष्ट हृदय वालों को मत डाल, हे प्रशंसनीय मेरे वैरियों को मत डाल। छठवें मंत्र का भाषार्थ देखें, हे दर्भ शत्रु विदारक सेनापति, मेरे वैरियों को पीस डाल, मेरे लिए सेना चढ़ा लाने वालों को पीस डाल, मेरे सब दुष्ट हृदय वालों को पीस डाल, हे प्रशंसनीय मेरे वैरियों को पीस डाल। सातवें मंत्र का भाषार्थ देखें, हे दर्भ शत्रु विदारक सेनापति, मेरे वैरियों को जला दे, मेरे लिए सेना चढ़ा लाने वालों को जला दे, मेरे सब दुष्ट हृदय वालों को जला दे, हे प्रशंसनीय मेरे वैरियों को जला दे। आठवें मंत्र का भाषार्थ देखें, हे दर्भ शत्रु विदारक सेनापति, मेरे वैरियों को दाह कर दे, मेरे लिए सेना चढ़ा लाने वालों को दाह कर दे, मेरे सब दुष्ट हृदय वालों को दाह कर दे, हे प्रशंसनीय मेरे वैरियों को दाह कर दे। नवे मंत्र का भाषार्थ देखें, हे दर्भ शत्रु विदारक सेनापति, मेरे वैरियों को नाश कर दे, मेरे लिए सेना चढ़ा लाने वालों को नाश कर दे, मेरे सब दुष्ट हृदय वालों को नाश कर दे, हे प्रशंसनीय मेरे वैरियों को नाश कर दे। तो देखा आपने कि इस तरह अथर्ववेद कांडम 19 और सूक्त 29 और मंत्र 1 से लेकर 9 तक, इसमें किस तरह जिहाद की शिक्षा दी जा रही है कि दुश्मनों को काट डाल, नाश कर दे, जला दे, भस्म कर दे। तो इस तरह वेदों में भी जिहाद की शिक्षा दी गई है। यह है ऋग्वेद और इस ऋग्वेद में भी जिहाद की शिक्षा दी गई है। आइए हम उन मंत्रों को देखते हैं। ऋग्वेद हिंदी भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती। ऋग्वेद हिंदी भाष्य द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ मंडल महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कृत। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दयानंद भवन 3/5 आसिफ अली रोड रामलीला मैदान नई दिल्ली। मुद्रक तिलक प्रिंटिंग प्रेस सीताराम बाजार दिल्ली। ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 34 मंत्र 9। इस मंत्र के अंत में देखिए आप हत्वी दस्युन आर्यम वर्णमावत। इसका अर्थ बताया गया है, साहस कर्म करने वाले चोर आदि का नाश करके उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त धार्मिक स्वीकार करने योग्य पुरुष की रक्षा करें। ऋग्वेद मंडल 4 सूक्त 30 मंत्र 18। पदार्थ देखें, हे राजन आप शीघ्र उन दोनों चलते हुओं के पार से वर्तमान पहुंचाने वाले आश्चर्यकारक रथों का नाश करो और उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वालों का पालन करो। ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 33
मंत्र 3 पदार्थ देखें। हे मुखिया जनों में अत्यंत मुखिया, दुष्टों के नाशक राजन, आप उन दुष्ट सबको पीड़ा देने वालों और धर्मिष्ठ उद्यम जनों को और दो प्रकार के विभाग करके दुष्ट और पीड़ा देने वालों का संग्रामों में अग्नि जैसे वनों का वैसे नाश करिए और उत्तम प्रकार से तृप्त किए गए घोड़ों से विदीर्ण करते हो और धर्मिष्ठ उत्तम जनों की रक्षा करते तो उत्तम जनों की रक्षा करते हो तथा देने योग्य धनों को प्राप्त होते हो, इससे विवेकी हो। ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 60 मंत्र 6 पदार्थ सुने। हे मनुष्यों, जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त सज्जन पुरुषों के व्यवहारों के पालने वाले सूर्य और बिजली मेघ के अवयवों को जैसे वैसे समस्त शत्रुजनों को मारते हैं वा दानों को नष्ट करते हैं वा दुखों को दूर करते हैं, वे सत्कार करने योग्य है। ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 83 मंत्र 1 पदार्थ देखें। हे शूरवीर योद्धाओं, तुम सबको प्राप्त होने योग्य अर्थात सबके रक्षक हो। तुम्हारी वीरता देखकर सब ओर से हृष्ट पुष्ट वीर मनुष्य अपना आत्मा समर्पण करते हुए तुम्हें प्राप्त होते हैं और प्राचीन सेवक और आर्य पुरुष भी तुम्हारी शरण चाहते हैं। तुम शत्रुओं का हनन करके रक्षा करते हुए दयावान राजा को प्राप्त हो। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 38 मंत्र 3 पदार्थ देखें। बहुतों से स्तुयमान हे विद्वन अथवा राजन, जो अदानशील उत्तम कर्म रहित मनुष्य अथवा श्रेष्ठ मनुष्य भी राक्षसी स्वभाव वाला मनुष्य हमें युद्ध के लिए प्रवृत्त करे व आह्वान करे तो वे शत्रु लोग हमारे द्वारा भली प्रकार अभिभूत होवें। तुम्हारे द्वारा हम संग्राम में उनको मारें। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 69 यानी 69 मंत्र 6 पदार्थ देखें। ये अग्नि लोगों के हितकारी पहाड़ों पर उत्पन्न धनों को तथा दान देने योग्य श्रेष्ठ धनों को प्राप्त कराता है। ये अग्नि शूर के समान शत्रु का घर्षक, लोगों का च्यावीता, आक्रमण करने वालों का अभिभव करता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 102 मंत्र 3 पदार्थ देखें। हे राजन, मारने की इच्छा करने वाले, अभिद्रोह करने वाले के शस्त्र को अंतर्हित कर दो। हे धनों के स्वामिन, दस्यु का हो अथवा आर्य का हो, उसके आयुध को अंतर्हित पृथक करो। तो इस तरह हमने देखा कि ऋग्वेद में भी बहुत सारे मंत्रों में जिहाद की शिक्षा दी गई है। यह है यजुर्वेद और इस यजुर्वेद में भी जिहाद की शिक्षा दी गई है और ये बताया गया है कि अपने दुश्मनों को जिस तरह लकड़ी को जलाया जाता है उस तरह जला के मारने की बात कही गई है। ये यजुर्वेद है, त्रयोदशोध्याय यानी अध्याय 13 है। यजुर्वेद अध्याय 13 और इसका 12वां मंत्र है। पदार्थ देखें। हे तेजधारी सभा के स्वामी, आप राजधर्म के बीच उन्नति को प्राप्त होजिए। धर्मात्मा पुरुषों के लिए सुखों का विस्तार कीजिए। हे तीव्र दंड देने वाले राजपुरुष, धर्म के द्वेषी शत्रुओं को निरंतर जलाइए। हे सम्यक तेजधारी जन, जो हमारे शत्रु को उत्साही करता है उसको नीची दशा में करके सूखे काष्ठ के समान जलाइए, यानी
सूखी लकड़ी के समान जलाइए। इस तरह आपने देखा कि वेदों में जिहाद की शिक्षा दी गई है और दुश्मनों को नाश करने की बात बताई गई है, लेकिन आज दुनिया में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस्लाम एक कठोर मजहब है, एक सख्त दीन है और इस्लाम दुनिया में आकर बहुत सारे लोगों का नाश किया है, उन्हें समाप्त किया है, उनको मार दिया है, ये लोग बता रहे हैं। लेकिन आप इतिहास को पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपको मालूम होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा जो युद्ध है वो है महाभारत। उस वक्त कोई मुसलमान नहीं थे। हम जानते हैं कि महाभारत में कितने लोग मारे गए। आप देखेंगे अगर महाभारत स्त्री पर्व, उस वक्त धृतराष्ट्र युधिष्ठर से पूछते हैं कि इस युद्ध में कितने योद्धा मारे गए, तो युधिष्ठर धृतराष्ट्र को बताते हैं कि महाभारत में 1,66,00,000,000 और 20,000 योद्धा मारे गए। आप बताइए क्या मुसलमान थे उस वक्त? क्या मुसलमानों ने इतने लोगों का कत्ल किया? बिल्कुल नहीं। और आप देखेंगे कि चंगेज खान जो मुसलमान नहीं था, उसने 4,00,00,000 लोगों को मारा है। ये इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है। क्या मुसलमानों ने मारा था? हरगिज नहीं। और आप देखेंगे जोसेफ स्टालिन, जो कि एक नास्तिक था, कम्युनिस्ट था, उसने 2,00,00,000 लोगों की हत्या की है। क्या मुसलमान ने की थी? हरगिज नहीं। और मशहूर हिटलर, जो कि एक क्रिश्चियन था, जिसने 60,00,000 यहूदियों को मारा था, उनकी हत्या की थी, क्या वो मुसलमान था? हरगिज नहीं। और हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, क्या वो मुसलमान किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर? हरगिज नहीं। और इसी तरह आप देखेंगे हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर बम गिराए गए थे, क्या मुसलमान थे? हरगिज नहीं। लेकिन मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। आप देखेंगे इस्लाम के जो जंगे थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने ऐसी जंग लड़ी जिसमें जो शहीद थे मुसलमानों की तरफ से और जो मकतूल थे, जो मारे गए दुश्मनों की तरफ से, कुल मिलाकर 1,800 से ज्यादा नहीं थे, लेकिन अरबस्तान में अमन कायम हो गया था। और एक बात, जिहाद का जो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है वो युद्ध के लिए है। आप देखते हैं कि मक्का फतह होने के बाद बहुत सारे गैर मुस्लिम जो काफिर थे वो कब्जे में आ चुके थे, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया। आप चाहते तो सबको चुन चुन के खत्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। और आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में तकरीबन 800 साल तक यहां पर मुसलमानों ने हुकूमत की है। अगर वो चाहते तो सबको खत्म कर देते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की तालीम है। तो बहरहाल हम लोगों से ये निवेदन करते हैं कि इस्लाम को आप द्वेष की, ईर्ष्या की ऐनक को निकाल कर उसका अध्ययन कीजिए, कुरान करीम का अध्ययन कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम एक शांति धर्म है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वा आखिर दावाना अनिल हमदुल्ला रबीआलमीन।